आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। जाकिर नाई का ओमान में कार्यक्रम था, उससे पहले कयास लगाए जाने लगे, मास्टर स्ट्रोक लगाए जाने लगे, उसकी गिरफ्तारी की भी खबर आने लगी, उसको भारत लाए जाने की भी खबर आने लगी, कई सरकारी यूट्यूबर भी कूद पड़े। अब इनके अनुसार जो जाकिर नाइक है उसको भारत लाया जाएगा। फ़ायदे भी गिनाने लगे कि 303 सीट देने के क्या फ़ायदे होते हैं, ये फ़ायदे हैं। वो जाकिर नाइक जब ओमान पहुंचा तो उसको राजकीय सम्मान मिला, भारी सुरक्षा मिली। और मास्टर स्ट्रोक फिर एक बार मास्टर स्ट्रोक बनकर रह गया। जिस जाकिर नाइक की गिरफ्तारी की खबर आईटी सेल के कर्मचारी चला रहे थे, वो एक्चुअल में क्या किया था वो तो मैंने दूसरे चैनल पे चर्चा किया है। अब उसने एक हिंदू महिला का धर्मांतरण कराया है। मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और नबी है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके हैं। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब कोई भी इस्लाम कबूल करता है गैर मुस्लिम, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते। तो आज आप मासूम हैं, यू आर सिनलेस। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको जन्नत फिरदौस दे। और मैं दुआ करता हूँ कि आप जरिया बने, आप के फैमिली आपके खानदान वालों को भी सही रास्ते पे लेके आए। और मैं दुआ करता हूँ कि आप अपने बाकी सहेलियां हैं और आपके फ्रेंड सर्किल हैं उनको भी सही रास्ते पे लेके आए इंशाल्लाह। जिसका नाम है आरती, पहले आसमानी किताब की आयतों को पढ़वाया और फिर बाद में बोला कि आप मुसलमान बन गए और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आपके पूरे परिवार के लोग मुसलमान बन जाए। तो जिसकी गिरफ्तारी की खबर चल रही थी वो जाकिर नाइक ओमान में धर्मांतरण करा रहा था। बस कुछ मसाले दे दिए, बीजेपी आरएसएस को कोसा, जो कि इनके लिए टॉनिक है। ये तो बताने के लिए हो ही जाता है कि देखो वो कांग्रेस की प्रशंसा किया और बीजेपी आरएसएस की बुराई कर दी। अब ये टॉनिक है जो लोगों को पिलाया जाएगा और वो वहाँ पर धर्मांतरण करा रहा है, वीआईपी सुरक्षा दी जा रही है। और हमारे अमित शाह जो हैं वो बोलते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा देश किसी भी निष्कर्ष पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि मोदी जी के उसके ऊपर सहमति ना हो। तो ये छोटे छोटे देश भी आंख दिखा रहे हैं। भारत का जो भगोड़ा है उसको राजकीय सम्मान मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है और वहाँ पर वो धर्मांतरण करा रहा है। तो ये होते हैं कुछ मास्टर स्ट्रोक। चलिए आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।